हेलो बच्चों, नमस्कार। आज यहाँ पर हमने जीव विज्ञान के आप लोगों के लिए 42 प्रश्न लिए हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं। जो मूल रोम होते हैं बच्चों, ये जड़ में पाए जाते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम लोग मूल रोम बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जंतुओं में विकास की परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी। जल्दी से कमेंट करें, और अगर आपका आंसर है डी लैमार्क तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रांकुर से पौधे का कौन सा भाग बनता है। तो प्रांकुर से आपका जो है ये प्ररोह यानी तना बनता है, तो यहां से आप ऑप्शन ए वाला चूज कर लेंगे, यानी प्ररोह यानी ऑप्शन ए। अगला, सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं किसमें, किस चीज में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा जैसे आपका कई चीजें हैं, जैसे बरगद है या फिर गन्ना है, गन्ना आपने देखा होगा उसमें जो उसकी छड़े होती हैं ऐसे, तो इनमें ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर देखा होगा ये छड़े पाई, यहाँ पर जड़ें निकल आती हैं, तो इनको बोलते हैं सहारा देने वाली जड़ें, जो कि ऑप्शन बी में आपका सही होगा। अगला है, एक वर्षीय पौधा कौन सा, यानी जो एक वर्ष में ही समाप्त हो जाता है, मतलब जैसे आम आप लगा तो बहुत दिन चलेगा, गुलाब केला ऐसे बहुत दिनों तक चलते हैं, लेकिन गेहूं जो है ये एक वर्षीय पौधा है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्रंथ भाग है, यानी वर्ण व्रंथ किसका भाग है। तो ये बच्चों पत्तियों का भाग है, तो यहां से ऑप्शन सी वाला सही होगा। जड़ों का विकास कहाँ होता है, तो जड़ों का जो विकास है वो मूलांकुर द्वारा होता है, तो यहां से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, फलों का विकास कहाँ होता है। तो जो फल होता है उनका विकास बच्चों अंडाशय में होता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है, पत्ती का भाग नहीं, यानी जो यहाँ पर चार भाग दिए गए उनमें से एक भाग पत्ती का नहीं है, तो जो बाह्य दल है ये पत्ती का नहीं बल्कि फूल का है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान है, पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा किया जाता है। सभी को मालूम है जो जड़ होती है वो पौधे में जल का अवशोषण करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के नर जननांग है, यानी पौधे का जो नर जननांग होता है उसको पुंकेसर बच्चों बोला जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा जंतु अंडे देता है। तो यहाँ पर अंडे देने वाले जंतु की बात किया जा रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है प्लेटिपस, ये अंडे देता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुल मिला के आज के ये 12 प्रश्न थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। अन्य जो 30 प्रश्न है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू होंगे। तो पहला अभ्यास प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है। तो एक कोशिकीय जो जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, यहाँ पर युगलीना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है, अपुष्पीय पौधा यानी जिसमें पुष्प नहीं आते हैं, तो ये फर्न पौधा होता है, इसमें पुष्प नहीं आते हैं। अगला है, लिनियस को किस लिए श्रेय मिलता है, यानी कार्ल वॉन लिनियस की बात यहाँ पर की जाती है, ये द्विनाम पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पांच जगत वर्षीकरण के एक कोशिकीय हरे शैवाल को किस जगत में सम्मिलित किया गया है। तो इनको बच्चों मेडाफाइट में सम्मिलित किया गया, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। कवक आमतौर पर आरक्षित खाद्य पदार्थों को किस रूप में संग्रहित कर लेते हैं, इसके बारे में आपको आंसर देना है, तो ये होता है ग्लाइकोजन और तेल के रूप में करते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो यहाँ पर अंडज बताना है, तो मेढक है ये जो अंडज है, बाकी सब स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, यानी कौन सी वास्तविक मछली है, तो सालमन मछली है, बाकी इनमें मछलियां नहीं है। अगला प्रश्न है, आलू क्या है। तो आलू के लिए बच्चों सब लोग याद रखिएगा, आलू जो एक कंद है, तो यहाँ पर आलू के लिए हम ऑप्शन बी वाला लगा लेंगे। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले पौधों को क्या कहते हैं, यानी 1 मीटर जिनकी ऊंचाई कम होती है उन पौधों को क्या आप लोग कहते हो। तो उन्हें साक की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ऑप्शन ए में होगा, याद रखिएगा। मेढक क्या है, सभी को पता है मेढक के उभयचर प्राणी है, उभयचर क्या होते हैं, जो
जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला है, उन पेड़ पौधों को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? इसका आंसर सभी को आता होगा, वो पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, और जो इन पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। अगला है, हरे पौधे किस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? सभी को मालूम है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, या फिर आप जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हो, जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं पत्तियों की सहायता से। इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जल्दी बताइए, और अगर आप ऑप्शन चुनते हो सी थायोफेटस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? यानी जो जीव जंतु को वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? तो ये है कार्ल वान लीनियस, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। 15वां प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर आप कमेंट करिए, और अगर आप कमेंट करके ऑप्शन डी पर पहुंच जाते हैं अरस्तु, तो आप बिल्कुल सही हैं। 16वां प्रश्न है, मछली अपने किस अंग द्वारा श्वसन करती है? सभी को मालूम होगा, मछली जो है वो अपने गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल में मेंढक अपने किस अंग द्वारा श्वसन करता है? यानी जल के जब अंदर मेंढक रहता है तो ये किसके द्वारा श्वसन क्रिया करता है? तो बच्चों, उस समय ये अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है, यानी त्वचा द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधे उत्सर्जन क्रिया में क्या निकालते हैं? यानी जो उत्सर्जन करते हैं, तो आपने बहुत पौधों को देखा होगा, इसमें गेंद है, रबर है, टैनिन है, ये सब निकलता रहता है, ये उत्सर्जन के द्वारा ही निकलता। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, ये उपरोक्त तीनों। अगला है, पौधे के जमीन के अंदर का भाग क्या कहलाता है? सभी को मालूम है, जो जमीन के अंदर होता है बच्चों, वो जड़ तंत्र होता है, रूट होती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा, पौधे के जमीन के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? ये सभी को मालूम है, उसे हम लोग प्ररोह तंत्र बोलते हैं, यानी तना बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका, प्ररोह तंत्र का मतलब होता है ऊपर का भाग, जिसमें तना है, फूल पत्ती फल सब कुछ, तंत्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पास है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो जल्दी से इसका ऑप्शन कीजिए, जल्दी से आप ऑप्शन इसे बता देंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो ये होती है बच्चों मूसला जड़। तो मूसला जड़ जो है ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का निर्माण करती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला है, 1 मीटर से कम नाप के पौधों को क्या कहते हैं? ये प्रश्न हालांकि पहले भी आ चुका है, मैं इसका आंसर भी आपको साफ बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, 3 मीटर से अधिक लंबे पौधों को आप क्या कहते हो? जिसकी लंबाई 3 मीटर से अधिक होती है उनको हम लोग एक्चुअली वृक्ष बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी एक मुख्य द्विवर्षीय पौधे का नाम बताइए, यानी 2 वर्ष के लिए। तो द्विवर्षीय चना है यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 25, पौधे के किस अंग द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है? तो ये आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा, तने द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा जल बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो जल बाहर निकलता है उसको वात्पोसर्जन क्रिया बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आपके लिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? हालांकि ये भी प्रश्न इसके पहले आ चुका था, जिसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। कमजोर तने से निकलने वाली पतली पतली धागे नुमा जो संरचना होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं प्रतान। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रतान। अगला है, पर्णफलक और पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग को क्या कहलाता है? तो ये जो डंठल नुमा भाग होता है इसको कहते हैं पर्णब्रंथ, यानी ऑप्शन ए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और उसका आंसर आपको जल्दी से देना है। अगला प्रश्न है, गाजर की जड़ को क्या कहा जाता है? तो जो गाजर होती है उसकी जड़ को कहा जाता है शंकु रूप। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, इसे लाइक कर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहती हैं,
जय हिंद, वंदे मातरम।